हेलो दोस्तों, एक किसान में आपका स्वागत है और आज आपके लिए गर्मा गर्म 5 मिनट न्यूज लेकर आ गया हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी टेक न्यूज लेकर आता रहूंगा। सबसे पहले टेक न्यूज की शुरुआत करते हैं हम LG से। तो LG ने अपने एक नया फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया जिसका नाम है LG G60। आपको उसमें ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिलता है, 3 GB की रैम, 64 GB डेटा स्टोरेज, और आपको जिसमें GPU देखने के लिए मिलता है वो पावर VR वाले GPU देखने के लिए मिलता है। लेकिन मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपको जिसमें प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है वो Helio P22 वाले प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। वैसे यार मैं आपको उसकी प्राइस बताऊंगा तो ये कुछ ओवर प्राइस हो जाएगा। इसकी जो प्राइस है वो है 13,490, मतलब आपको ये 13,500 रुपये का फोन मिलता है और आपको इसमें ढंग की भी स्पेसिफिकेशन नहीं देंगे। वैसे आपको इसमें ट्रिपल कैमरा मिल रहा है। अब ये पता नहीं इसका कैमरा कैसा है, सैम्पल कैसे आएंगे, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वैसे दोस्तों, अगर आप LG लवर्स हैं या LG के फ़ोन चलाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको जो एक्सपीरियंस है वो LG के साथ कैसा रहा है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आ रही है वो ओप्पो की तरफ से। जैसे कि आप सब लोग जानती हैं, ओप्पो का K5 इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सबसे पहले ये तो चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद इंडिया में होगा। वैसे ये अभी चाइना में भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो मेरे पास ही कुछ Geekbench टिप्स आई हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसके सिंगल स्कोर की बात करते हैं। जब इसे सिंगल स्कोर में टेस्ट किया गया था तो उसका जो स्कोर आया था 2508। अगर हम इसके मल्टी कोर की बारे में बात करते हैं तो उसका मल्टी कोर का जो स्कोर है वो है 6,762 पॉइंट्स। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा फर्क है सिंगल स्कोर में और मल्टी कोर में। आपको इस फोन में 8 GB रैम मिलेगी, लेकिन अभी ये पता नहीं चला इसकी इंटरनल स्टोरेज कितनी होगी। जैसे मेरे पास इसकी फुल स्पेसिफिकेशन आएंगी तो मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आ रही है वो गूगल पिक्सल की तरफ से। जैसे कि आप सब लोग जानती हैं, गूगल पिक्सल में आपको गेस्ट मोड देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी खबर निकल कर आई है, अब गूगल पिक्सल जो 4 आएगा उसमें आपको गेस्ट मोड देखने के लिए मिलेगा। वैसे देखते हैं इसमें और क्या अलग अलग फंक्शन होने वाले हैं गूगल पिक्सल 4 में। वैसे आपको गेस्ट मोड तो मिलेगा ही मिलेगा, और भी क्या होते हैं देखते हैं। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आ रही है वो मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला का जो Z2 है जो बहुत पहले लॉन्च हो चुका है, हमारे पास कुछ ऐसी खबर निकल कर आ रही है उसमें एंड्रॉयड 9 का अपडेट पुश करने वाले हैं। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सारे फ़ोनों में आपको एंड्रॉयड 9 पाए पहले से देखने के लिए मिलता है। जो आप 6,000 या 7,000 रुपये की फ़ोन भी ख़रीदते हैं तो आपको उसमें पहले से ही एंड्रॉयड 9 देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये मोटोरोला क्या कर रहा है, ये अब एंड्रॉयड 9 लेकर आ रहा है फिर पता नहीं 2021 में एंड्रॉयड 10 लेकर आया। तो दोस्तों मोटोरोला कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आ रही है वो हेडवे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हेडवे एक इंटरनेट प्रोवाइडर है, ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो इसका एक नया प्लान आने वाला है जो होने वाला है 1699 का। इसमें आपको 300 MBPS की स्पीड मिलेगी और 2 TB का डेटा मिलेगा पर मंथ। ये जो प्लान होगा ये सिर्फ एक ही महीने के लिए होगा। अगर आप एक महीने से पहले अपना डेटा खर्च कर लेते हैं, जैसे कि आप 20 दिन में अपना डेटा खर्च कर लेते हैं, तो आपको उसके बाद 5 MBPS की स्पीड आएगी। वैसे इसका ये वाला जो प्लान है ये सिर्फ अभी चेन्नई में चल रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी और भी सिटीज़ में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। लास्ट ऐसी उसके बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आ रही है वो नोकिया की तरफ से। नोकिया का 1 और नोकिया का 2.1, आपको इन दोनों में बहुत जल्दी अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। आपका जो एंड्रॉयड होगा वो एंड्रॉयड 10 हो जाएगा। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो फ़ोन की स्पीड होगी वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपके जो ऐप ओपन और आप क्लोज़ करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ में बस इतनी। अगर आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। मैं आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपको ऐसी अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।